नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रिजस किचन में। फ्रेंड्स, मेरे पास ये घर में तोतापुरी आम था जो कि कच्ची कैरी है, ये तो ये दो मैंने ले लिया है। और आप चाहो तो आपके पास जो भी घर में अचार बनाने वाला आम हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम पहले पील कर लेंगे। आप देख सकते हो मैंने इसको पील कर लिया है, अब हम इसको काट लेंगे। ऊपर का हिस्सा मैंने निकाल लिया है और इसको हम काट लेंगे मीडियम साइज़ में। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, मीडियम मैंने उसको काटा हुआ है कैरी को। और हम ये गुठलियाँ जो है हम फेंकेंगे नहीं, हम इसको भी यूज़ करेंगे। और हम इसको अभी तड़का लगाते हैं। आपके पास घर पे जो भी आम हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर जो खट्टा हो तो आपको थोड़ा सा जो शुगर या गुड़ है वो ज़्यादा डालना पड़ेगा। मगर आपके पास ये तोतापुरी जैसे कैरी वगैरह रहेगा घर पे तो ये एक्चुअली ज़्यादा खट्टी नहीं आती है, ये खट्टी मीठी कैरी रहती है। तो आप इसका यूज़ करो तो बहुत ही अच्छा बनेगा। बट इट डिपेंड्स कि आपके पास घर पे क्या अवेलेबल है। तो चलिए हम इसका तड़का लगाते हैं। हम गैस ऑन कर लेंगे, कढ़ाई रख देंगे उस पर। हम इसमें डाल देंगे तेल, ऑयल डालेंगे हम। तो 3 चम्मच तेल ले लिया है हमने, इसको गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मस्टर्ड सीड्स जिसको हम राई कहते हैं, उसको चटकने देंगे। अब हम डाल देंगे उसमें जीरा। हींग डाल देंगे हम थोड़ी सी। गैस को हम स्लो कर देंगे। इसमें हमने कैरी डाल दी है और गुठली भी हमने उसमें डाल दी है, इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट, टेस्ट के मुताबिक आप डालिएगा नमक, मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे और हम ये जो हमारी जो कैरी है तो इसको हम ढक देंगे और स्लो फ्लेम पे इसको हम कुक होने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर के इंटरवल में आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा इसको मिक्स कर दीजिएगा, ऊपर नीचे कर दीजिए ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। इसको वापस से ढक दूंगी और स्लो फ्लेम पे हमें इसको बनाना है। चलिए वापस से हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। ये एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, देखिए इसको आप देख सकते हो कि ये बहुत आसानी से मैश भी हो जाता है। देखिए इसका मतलब है कि हमारी जो कैरी है वो पक चुकी है। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। हमने लिया है धनिया जीरा पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर, आप जितना तेज़ खाते हो, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आता है। हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे इसमें और लास्ट में हम डाल देंगे शक्कर, तकरीबन 2 से 3 चम्मच शक्कर है ये। शक्कर भी आप पे डिपेंड करता है, आपको ज़्यादा मीठा खाना है तो आप उसमें शक्कर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आपको शक्कर नहीं खाना है तो आप इसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं। गुड़ की जो तासीर होती है वो गर्म होती है तो हम इसमें शक्कर या खड़ी शक्कर जो आती है उसको पीस के भी हम डाल सकते हैं। तो हम इसको मिक्स कर देंगे। एकदम सॉफ्ट हो गया है, इसको मिक्स करने पर भी ये टूट जाते हैं और इसको बनाने में
तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा है। अगर जो आपके पास घर में सब्ज़ियाँ ना हो और आम का सीज़न है, कैरी का सीज़न है, गर्मियों में अगर जो आपको सब्ज़ी खाने का मन ना करे, घर में रोटी या पराठा या आप दाल चावल के साथ भी इसको खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर से बना के देखिएगा घर पे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी सब्ज़ी, उसमें जो शक्कर हमने डाली थी वो मेल्ट हो चुकी है, और आप ये जो इसकी गुठली है ये देखिए, गुठली में भी अच्छा, देखिए आम जो चिपका हुआ है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। और आप इसको ज़रूर से बना के खाइएगा। ये सिर्फ 5 मिनट में बन जाता है, इसको बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती है, सिर्फ आपको काटना है, उसको बगाड़ देना है, और जस्ट 5 मिनट में ये काफ़ी कम टाइम में ये बनके रेडी हो जाता है। तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए मैंने गैस ऑफ कर दिया है। फ्रेंड्स, मैंने ये जो कैरी की सब्ज़ी है वो बना के मैंने सर्व कर दी है, और बहुत ही टेस्टी बनी है। घर पे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। और अगर जो आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।